ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमें फक्र है, फक्र है मुगल सल्तनत के जांबाजों पर जिन्होंने एक और फतेह हमारे नाम की है। हमें फक्र है मानसिंह पर जिन्होंने उम्र में सबसे कम होने के बावजूद सबसे ज्यादा बहादुरी दिखाई। ये हमारे दरबार में सिर्फ एक दरबारी नहीं, मुगल सल्तनत के सबसे नायाब नगीने हैं। इनकी बहादुरी, इनकी काबिलियत के लिए हम इन्हें 5000 मनसब से नवाजते हैं। इस सम्मान के लिए धन्यवाद शहंशाह, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपका सर झुकने नहीं देंगे। एक बात जिसने हमें सबसे ज्यादा चौंकाया वो है हमारी बेगमात। आप सब हमारे हरम की शान है, हमें फिक्र है आप सबकी सलामती की। शायद इसी वजह से हम आप सबको अपने साथ इस जंग में लेकर आए ताकि हम आप सबकी हिफाजत कर सकें। लेकिन आप सबने हमारे साथ साथ पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया है कि एक औरत को अपनी हिफाजत के लिए एक मर्द की जरूरत नहीं होती है। हमने हर जंग से हर कुछ सीखा और इस जंग से हमने सीखा कि एक औरत कमजोर नहीं होती है। एक औरत अगर अपनी पर बनाए तो वो बेगम माँ चूचक की तरह, हमारी बहन की तरह हमारी जान भी ले सकती है, और अगर चाहे तो जोधा बेगम, रुकैया बेगम और सलीमा बेगम की तरह हमारी हारी हुई जंग को हमारी फतेह में तब्दील कर सकती है। हमारी बेगमात हमारी कमजोरी नहीं है बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जैसा रुकैया बेगम ने हमें बताया, आप सब में बहादुरी जगाने वाली जोधा बेगम है। उन्होंने ना सिर्फ हम पर से अपना यकीन खोया, उन्होंने अपने अहंकार पर से भी यकीन नहीं खोया और उन्होंने इस जंग की भागदौड़ संभाली। जोधा बेगम ने बड़ी बहादुरी से सारी हुई जंग को हमारी फतेह में तब्दील कर दिया है। इसलिए आज मुगल सल्तनत का शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर सबके सामने झुककर जोधा बेगम को सलाम करता है। शुक्रिया मिर्जा, हम चाहते हैं कि तुम शाहबुद्दीन और असफ खान के साथ जाओ और हिसार का हमारा किला फिर से हमारे कब्जे में। जी भाईजान। हम आप सबको इतना और कहना चाहते हैं कि आप सब लोग वापस लौटने की तैयारी कर लें क्योंकि एक तरह से ये जंग खत्म हो चुकी है। और इसी के साथ हम एक बात का और ऐलान करना चाहेंगे, हमारी बेगमात ने अपनी काबिलियत, अपनी बहादुरी, अपनी दिलेरी दिखाकर एक मिसाल कायम की है जिसके लिए हम उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत तोहफे से नवाजेंगे।
हमारा वादा है अपनी बेगमात से कि वो जिंदगी में एक बार जो चाहे जो भी हमसे मांग ले हम उनकी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। खामोश क्यों हो गए? हमारी फतेह की हमें खबर सुनाइए। हुजूर, मैदानी जंग में हमारी फौज को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। खबर की शुरुआत तुमसे हुई है, सजा की शुरुआत भी तुमसे ही होनी चाहिए। हमें बुरी खबर सुनाने के जुर्म में तुम्हें सजाए मौत दी जाती है। लेकिन हम तुम्हारा कत्ल क्यों करें? शिकस्त तुमने थोड़ी खाई है, तुमने तो हमें सिर्फ खबर दी है। मेरे सरताज, आप ही बताइए हम क्या करें? इसे माफ कर दें? आखिर इसकी गलती क्या है? इसने तो हमें सिर्फ खबर दी है ना, सच्ची खबर। वो खबर अगर बुरी हो तो इसमें इसका क्या कसूर है ना? वजह फरमाती हैं बेगम साहिबा, इसने तो सिर्फ सही खबर देकर अपना फर्ज ही निभाया है। और आप बोलते जाइए, हम आपको सुनना चाहते हैं। आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। हुजूर, आपका लाख लाख शुक्रिया। आप बहुत ही रहम दिल इंसान है। खुदा आपको खुश रखे। कैसी खबर जिसने हमारे मंसूबे को तबाह कर दिया, सालों की मेहनत पे पानी फेर दिया। ऐसी बुरी खबर देने वाला किसी हाल में माफी के लायक नहीं। बख्तुनिसा, देखिए ना आपके अब्बा हुजूर किस तरह पसीने में नहा लिए। क्या करते? ऐसी खबर, सदियों से देखा हुआ ख्वाब अचानक टूट गया। किसी का कत्ल नहीं करते ना तो अपने पर काबू नहीं पाते। चलिए मेरे सरताज, कहीं और चलते हैं। हमें तुम पर गर्व है मानसी, तुमने एक सच्चे राजवंशी होने का परिचय दिया है। मानसिंह ने न केवल शहंशाह के प्राण बचाए, अभी तो हमें भी गर्व दिया है कि हम इनकी भुआसा हैं। गर्वित तो तुमने हमें किया है जोधा, हम संसार के सबसे गर्वीले पिता हैं, जिसकी संतान तुम। इसका सारा श्रेय आमेर को जाता है बाबू साहब। आपका प्रेम, दादी साहब के संस्कार, मासा की शिक्षाएं और सुजामल भाईसा की शस्त्र शिक्षाएं। अब बापू साहब, आमिर की इस पुत्री को उसके पिता का दिया हुआ ज्ञान आज काम आ गया।
प्रताप के ऋणी रहेंगे। सच में बापू साहब, आप ही ने तो हमें योद्धा बनाया है। आपको स्मरण है जब आमेर में हम उत्पात किया करते थे, तब दंड स्वरूप आप पूरे एक बार हमें शस्त्र अभ्यास करवाया करते थे, पर आज आपकी उसी कठोरता ने इस कठिन समय का सामना करने का साहस हमें दिया। अपने कार्य का श्रेय किसी और को देना, ये तो हमने तुम्हें नहीं सिखाया जोधा। क्या हो बापू साहब, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं हमें? जोधा, आज तुम्हारा मुख हमें कुछ भिन्न दिखाई दे रहा है। नहीं तो बापू साहब, हो सकता है कि युद्ध की थकान की वजह से ऐसा हो। थकान नहीं, प्रसन्नता के लक्षण है जोधा। तुम्हारे मुख पर छाई प्रसन्नता बता रही है कि उसका कारण विजय नहीं है, कुछ और है, जिसे तुमने अब तक रहस्य बनाकर रखा है। लगता है कि कोई अभिन्न मित्र तुम्हें मिलने वाला है। जीती रहो, प्रसन्न रहो। माता पिता से कुछ भी छिपाना कठिन ही नहीं, असंभव है। माफी चाहते बेगम साहिबा। माफी मांगनी भी चाहिए तुम्हें। आज जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से एक बेगुनाह कारिंदे का कत्ल करना पड़ा हमें। जो गुस्सा हमें तुम पे निकालना था हमने उस पे निकाला। तुम्हारी फौज ठीक से नहीं लड़ी, हमें फतेहाब नहीं किया, और हम अपनों पे गुस्सा नहीं निकालना चाहते थे, नहीं तो लोगों को लगता कि हम जलाल से खौफजदा हो गए हैं, इस शिकस्त से खौफजदा हो गए हैं, जबकि हम खौफजदा बिल्कुल नहीं है। किस्मत की खा रहे हैं सब। जलाल मिर्जा से पहले पैदा हो गया तो उसे तख्त मिल गया। बेगम हमीदा ने हमसे पहले एक बेटे को जन्म दे दिया तो मलिकाए जमानी और मलिकाए मकानी बन गई। हमें कुछ नहीं मिला, ना ही हमारे बेटे को। देख क्या रहे हो, बची हुई फौज को तैयार करो, इस बार जंग हमें जीतनी है, और अगर हम फतेहयाब नहीं हुए ना तो हमारे हाथों एक और कत्ल हो जाएगा तुम्हारा, खुद को बेवा बना लेंगे हम, समझे? हुकुम हुजूर, फाजल बेग को हमारे सामने पेश किया जाए। हुजूर ने गुलाम को याद फरमाया। फाजल बेग, वो समय आ गया है खास हथियार को जंग में पेश करने का, उसे फौरन यहाँ से रवाना कर दिया जाए। जी बेगम साहिबा। होश में आओ नामाकूल, आप जानना नहीं चाहते कि वो खास हथियार क्या है? हमसे आप पूछेंगे नहीं कि हम ये जंग कैसे जीतने वाले हैं? कोई और होता जो हमसे ये बेवकूफाना सवाल करता तो उसका हम कत्ल कर देते, लेकिन आप हमारे शौहर हैं, बेझिझक होके पूछिए, पूछिए ना। कैसे कैसे ये जंग प्रताप करेंगे आप? क्योंकि हमारे पास एक खास हथियार है, एक पहची दरिंदा, एक जानवर जो दो पाँव पे चलता है लेकिन इंसान नहीं, पहची है। क्या कर रहे हो?
मोती हमारे बस से हम संभाल सकते हैं। रहने दो, इस अवस्था में अपना ध्यान रखो। हम आपके स्नान का प्रबंध कर देते हैं, उसके पश्चात आप निश्चित होके सो जाना। बहुत लंबी यात्रा है ना आज की। कैसी बातें कर रही हो मोती, अभी तक अम्मी जानो घर के बड़े सोए नहीं हैं, हम कैसे विश्राम कर सकते हैं? बहुत हटी हो जोधा आप। हम हटी नहीं हैं। अच्छा वो सब छोड़ो और ये बताओ कि अब तो युद्ध भी समाप्त हो गया और हम विजय भी हो गए, फिर अब क्या कारण है कि आप अपने गर्भवती होने के बाद किसी को बता नहीं रहे हो? किसी से भय है आपको जोधा? हमें किसी का भय नहीं है मोती, हम बस सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब कौन सा अवसर आएगा? तनिक सोचिए कि शहंशाह और मलिका आजम कितने प्रसन्न होंगे सूचना पाकर, उनके जीवन में इंद्रधनुष के रंग बिखर जाएंगे। पर हम ये सूचना शहंशाह को दीवाने खास में बताना चाहते हैं। आप ये सूचना सबके सामने देंगे? नहीं मोती, वहाँ पर केवल हम और शहंशाह होंगे। हमें स्मरण है जब रुकैया बेगम गर्भवती थी तो शहंशाह हमें दीवाने खास ले गए थे और फिर उन्होंने हमें बताया कि क्या अभी तक देख रही हैं जोधा भी? क्या आप जानते हैं कि इस पर बैठकर सबसे खुशी की बात क्या होती है? यही कि आप शहंशाह हैं। नहीं जोधा बेगम, इस पर बैठने के बाद सबसे खुशी की बात होती है वो उम्मीद कि एक दिन हम अपने वलीअहद को इस तख्त पर बैठा हुआ देखेंगे। वो दिन जल्दी ही निकट आने वाला है शहंशाह, शीघ्र ही रुकैया बेगम आपको आपका उत्तराधिकारी देने वाली है। हम जानते हैं जोधा बेगम कि मुगल सल्तनत को बहुत जल्द उसका वलीअहद मिलने वाला है और जिस दिन हम उसे इस तख्त पर बैठा हुआ देखेंगे वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी और उस दिन पूरी सल्तनत उत्सव मनाएगी। हम भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जोधा बेगम, और उम्मीद है कि आप भी बहुत जल्द हमें एक वारिस देंगी। मोती अब वो दिन आ गया है और हम चाहते हैं कि जिस स्थान पर शहंशाह ने अपनी इच्छा हमारे सामने प्रकट की थी उसी स्थान पर उनकी अभिलाषा पूरी होने की शुभ सूचना हम उन्हें दें। इतने सारे अंडे तुम खाओगे? एक इंसान तो इतना नहीं खा सकता। खबरदार, इस बात का ख्याल रहे कि ये बकरी वार से दूर रहे, भूल कर भी वार के करीब मत जाना वरना बहुत पछताओगे। और इसे मेरा मशवरा नहीं मेरी नसीहत समझना, समझे? खड़े खड़े क्या मेरा मुंह देखते रहोगे? ले जाओ ये अंडे वहां पर जाओ। कोई भी इंसान इतने थोड़ी खाएगा। अरे ये क्या अंडे? हाँ कौन है? अंडे कहाँ गए? अभी तो यही थे। उसके खाने का वक्त हो गया है। हाँ अरे मेरी बकरी, मेरी बकरी, अरे मेरी बकरी, मेरी बकरी, मेरी बकरी कहाँ आ गई? मुझे मेरी बकरी चाहिए। रो, और रो।
कहा था ना मैंने ताकीद की थी ना कि बकरी को गाल से दूर रखना, अब वापस नहीं आएगी वो। कौन है अंदर जो इतनी जल्दी मेरी बकरी और अंडों को खा गया? अल्लाह, वो इंसान नहीं है, वैश्य है। यकीनन यकीनन वो इंसान नहीं, वैश्य दरिंदा है। हाँ, निजाम कुदरत का एक अजीबो गरीब करिश्मा, एक नायाब मौजूदा, दो पैरों पर चलने वाला। चल निकल यहां से। बेगम हुजूर का हुक्म है, मुस्तैदी के साथ तैयार रहो। अनकरीब है वो वक्त जब दुनिया को तुम अपना असली चेहरा दिखा दो।